आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ट्रेन आ रही है वो क्लोन एक्सप्रेस आ रही है, क्लोन स्पेशल ट्रेन आ रही है सूरत से चलकर छपरा के जाने वाली। और यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाएगी, जैसा कि अनाउंसमेंट अभी बता दें। सामने 3 शेड है, काफ़ी चौड़ाई में है जैसा कि बता दें। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि बता दें इस समय हम जौनपुर जंक्शन पर हैं और आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जौनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 का अपडेट देंगे। तो हमारे इस अपडेट में बने रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। तो बैक कैमरे के माध्यम से हम पहले शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अपडेट, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे के माध्यम से पूरा व्यू यहाँ का, क्या क्या हो रहा है, क्या यहाँ का व्यवस्था है, दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारी इस अपडेट में। देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अंतिम छोर, जो कि हम अगर आप लोग सागंज से जौनपुर आएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आखिरी छोर है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आखिरी छोर है। सामने देखिए पुराना जो यहाँ पर जो झंडे दिखाया जाता है, तो यहाँ पर पुराना इसका रूम बना हुआ है, तो काफ़ी खंडहर हो चुका है, बंद हो चुका है फिलहाल। और देखिए कुछ प्रकार का यहाँ पे रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा होगा। अभी सामने जो ट्रेन जा रही है ये दून एक्सप्रेस जा रही है, जो कि वाराणसी से आई है। तो योगनगरी ऋषिकेश के लिए ट्रेन जा रही है। और देखिए फिलहाल सामने बैठने के लिए बना हुआ है मार्बल से एकदम जड़ित, बैठने के लिए काफ़ी उत्तम व्यवस्था बनाई गई है। देखिए यहाँ पर तो मार्बल उखड़ गया है बगल में, लेकिन यहाँ पर मार्बल फ्रंट पे है, पीछे का उखड़ गया है काफ़ी बता दें। और यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पे कुछ अभी अपडेट नहीं है, कुछ बना नहीं है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जो अभी आगे प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया, जैसा कि हमको जानकारी मिली कि आगे प्लेटफॉर्म बढ़ाया गया है। ये कुछ प्रकार के यहाँ पर ईटा रखा गया है टुकड़ा, और सामने देखिए रेलवे ट्रैक है, उधर माल गोदाम है जैसा कि आपको बता दें। और सामने 3 सेट है, छोटा सा 3 सेट बैठने के लिए व्यवस्था है जैसा कि बता दें प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। और काफ़ी पुराना है जैसा कि आपको बता दें, जो 3 सेट आपको सामने दिख रहा है वो काफ़ी पुराना है। और सामने FOB दिख रहा होगा, FOB फुट ओवर ब्रिज, जो यात्री लोग जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाते हैं फुट ओवर ब्रिज। और यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है उसको गंदगी कर दिया गया, भोजन कर दिए हैं, तो यहाँ पे उसका अंश कुछ छोड़ दिए हैं, जो जूठा गिरा दिए हैं, तो काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ा यात्रियों को बैठने के व्यवस्था में, काफ़ी दुविधा उत्पन्न हो रही है। और देखिए कुछ प्रकार के यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है जैसा कि बता दें। और मौसम धूप भी है हल्का फुल्का और बदरी भी है जैसा कि बता दें, काफ़ी उमस है आज। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को कवर करते हैं, दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोदान ट्रेन आने वाली है, जैसा कि सूचना भी मिली है, जो कि जफराबाद स्टेशन पर खड़ी है। तो चलिए बने रहिए अपडेट में हमारे, दिखाते हैं पूरा यहाँ का व्यू। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो हम आप बता रहे हैं, जो बाथरूम की जो स्थिति है, देखिए काफ़ी गंदगी है। देखिए अभी चूना यहाँ छिड़का गया है बाहर, देखिए काफ़ी कचरा निकाला गया है जैसा कि आपको बता दें। और झाड़ू यहाँ काफ़ी कम लग रहा है जैसा कि बता दें। तो हम आशा करते हैं कि स्टेशन को साफ स्वच्छ रखें, अधिकारी लोग तक सूचना जाए। देखिए छोटा सा टेंट सेट यहाँ पर, लेकिन बैठने कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए सामने साइलेंट जनरेटर, जो कि ये ख़राब पड़ा हुआ है, जो कि बंद है। और बगल में जो नया है वो चालू स्थिति में, जैसा कि बता दें बगल में चालू स्थिति में है साइलेंट जनरेटर। और 2 साइलेंट जनरेटर है जैसा कि बता दें, जिसमें से एक ख़राब है, ये ख़राब है, ये चालू की स्थिति में है। और चलिए अभी हम चलते हैं FOB के माध्यम से, अब आपको व्यू दिखाते हैं जौनपुर जंक्शन का। सामने देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी काफ़ी भीड़ है गोदान ट्रेन के लिए। और चलिए बने रहिए हमारे इस अपडेट में। वहाँ देखिए कार्यालय इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स का रूम है, और आगे डाक विभाग का है, रेल डाक विभाग का रूम है जैसा कि बता दें आपको। चलिए बने रहिए हमारे अपडेट में, दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू।
बता दें यहाँ पे देखिए नल लगा हुआ, पानी की व्यवस्था है। इधर की काफ़ी गंदगी है, काफ़ी पानी नीचे से जा रहा है, रिस रहा है, और जो पानी जो आ रहा है देखिए काफ़ी बालू है। यहाँ पे यात्री लोग कैसे पानी पिएंगे, जैसा कि बता दें देखिए बालू बालू पूरा पानी आ रहा है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है यहाँ की जौनपुर जंक्शन की। देखिए पूरी काई काई प्लेटफॉर्म नंबर एक को नष्ट करा, ख़राब कर रहा है प्लेटफॉर्म, पानी रिस रहा है। और सामने FOB बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है, जैसा कि बता दें आपको जानकारी अनुसार फुट ओवर ब्रिज काफ़ी पुराना है। बारिश होता है तो पानी रिसता है, पानी नीचे टपकता है तो यात्रियों भीग जाते हैं, जैसा कि बता दें। और ऊपर टीन सीट भी नहीं लगा है, जैसा कि बता दें। चलिए बने रहिए, FOB के माध्यम से पूरा व्यू दिखाते हैं। और सामने ट्रेन आ चुकी है, गोदान एक्सप्रेस गोरखपुर से मुंबई को जाने वाली। और चलिए हम कवर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक को, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। बता दें सामने टीन सीट है, काफ़ी चौड़ाई में है, जैसा कि बता दें। और छाँव है, जैसा कि बता दें आपको पूरा छाँव है। ये भारतीय डाक विभाग का बुकिंग काउंटर का टाइमिंग, जैसे कि आप देख ले सकते हैं। और बुकिंग टाइमिंग देखिए, भारतीय डाक विभाग रेल डाक सेवा है। और देखिए काफ़ी उत्तम व्यवस्था है बैठने के लिए, नया बना है, जैसा कि बता दें आपको ये पूरा नया बना हुआ है बैठने की व्यवस्था। और सामने फुट ओवर ब्रिज जाने का रास्ता, और सामने गोदान ट्रेन खड़ी हुई है। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर एक को हम कवर करते हैं। अब पंखा लगा, और नया पंखा लगा, जैसा ओरिएंट का पंखा है, जैसा कि अभी यहाँ कंपनी देख रहे हैं तो ओरिएंट का पंखा है। इस प्रकार का व्यू देखिए। और इस समय दोपहर के 12:57 हो रहे हैं, 1 बजने वाले हैं, जैसा कि बता दें। और धूप काफ़ी बदरी वाला है। चलिए हम आगे तक चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू। और ये प्लेटफॉर्म को यहाँ तक टाइल्स नहीं लगाया गया, जैसा बता दें, आगे टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है। यहाँ बता दें शीतल जल है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ की सुविधा है। यहाँ पे अभी बंद है, जैसे शीतल जल बंद है यहाँ पे पूरी तरह से। ये देखिए सुविधा है यहाँ पे, और देखिए साबुन डस्टबिन। और व्यवस्था यहाँ काफ़ी ख़राब है, जैसा कि बताते हैं शीतल जल यहाँ पे नहीं उपलब्ध है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। जैसा कि बता दें यहाँ पर एक कैंटीन है आगे, और ये कैंटीन इधर, एक कैंटीन आगे है, और यहाँ पर चैन पुलिंग हो गया है। प्रकार देखिए यहाँ पे चैन पुलिंग हो गया है, और लोग वहाँ पे देखे जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कि क्यों चैन पुलिंग हुआ है, क्या हुआ है, अटेंड कर रहे हैं कि चैन पुलिंग हो गया है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक टाइल्स पूरा लगा हुआ है। इस प्रकार के यहाँ पे एंट्री और निकासी है, जैसा कि बता दें यहाँ पे बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए व्यवस्था है। और अंदर यात्री प्रतीक्षालय है, जैसा कि बताते हैं आपको। काफ़ी भीड़ है आज प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। इस प्रकार का वहाँ पर सफाई हो रहा है, जहाँ पानी का जो वो है स्टैंड है वहाँ पे सफाई लोग कर रहे हैं, कर्मचारी भी सफाई कर रहे हैं, साफ़ सुथरा कर रहे हैं। GRP थाना है, और काफ़ी क्लीन है, जैसा कि बता दें आपको। और राजकीय रेलवे पुलिस GRP का ये बूथ। चलिए आगे हम दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक को, पूरा कवर करते हैं। जैसा कि बता दें अंदर बंदी गृह है, महिला और पुरुष का बंदी गृह है। और इस प्रकार के देखिए यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है बैठने की व्यवस्था। एक तरफ टाइल्स लगा हुआ, दूसरी तरफ भी टूटा फूटा है। सामने जौनपुर जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, जौनपुर जंक्शन बोर्ड। और पीछे आपको दिख रहा होगा बंदी गृह है। और यहाँ पे देखिए निर्माण कार्य काफ़ी प्रगति पर है उत्तर रेलवे द्वारा। यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का कार्य होगा, वो सॉरी दोस्तों यहाँ पे टीन सेट लगेगा, जैसा कि बताते हैं क्या लगना है अभी आगे बताते हैं। टीन सेट का कुछ लग रहा है,
जैसा कि बता दें, सामने देखिए टीन शेड साइड में लगा हुआ है बैठने के लिए, यात्रियों के लिए। यात्रियों को बैठने के लिए काफ़ी व्यवस्था अच्छा किया गया है। आगे स्टील का है, पीछे सीमेंटेड का है, जैसा कि बता दें आपको। और इस प्रकार के यहाँ पे देखिए क्लीन है, टाइल्स लगा हुआ है, धूप काफ़ी तेज़ है। पूरा वहाँ तक प्लेटफॉर्म जहाँ पे अंत हुआ है वहाँ तक चलते हैं, उसके आगे प्लेटफॉर्म को भी बढ़ाया जा रहा है जैसा कि जानकारी मिली है। तो चलिए, हमारी इस अपडेट में बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। हम दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक का पूरा अपडेट। यहाँ पे देखिए किस प्रकार का पानी का बंद हुआ है, पानी कनेक्शन बंद है। सामने पानी टंकी का काम रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, कुछ कारणवश से यहाँ का काम रुका हुआ है। यहाँ पे देखिए टीन शेड लगा हुआ है और उसी के माध्यम से हम नीचे जा रहे हैं, उसी के नीचे से, ताकि धूप ना लगे। और पूरा हम कवर करते हैं यहाँ का अपडेट। और जैसा कि बता दें, यहाँ पर टूटी लगी हुई है, तीनों टूटी लगी हुई है। अभी हम देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। पानी यहाँ साफ़ आ रहा है, वहाँ बालू ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पानी साफ़ आ रहा है। और इस प्रकार के देखिए यहाँ पे थूकदान बनाया गया है, लोग थूकने का। यहाँ पे थूकदान क्या बना है, यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए बनाया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पेड़ लगाने के लिए थूकदान बनाया गया है, साइड साइड में पेड़ लगाने की व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे पानी की जितनी व्यवस्था है, एक नल चालू है, यहाँ पे एक नल चालू है, जैसा बता दें। मेरा कनेक्शन काफ़ी ख़राब है, जैसा बता दें। यहाँ पे टूट गया है, जैसा बता दें, यहाँ पे टूट गया है कनेक्शन। सामने बाथरूम की दैनिक स्थिति, काफ़ी गंदगी कर देते हैं पैसेंजर लोग, जैसा बता दें आपको। और सामने जौनपुर जंक्शन का बोर्ड किस प्रकार का, और यहीं से इसी के आगे से प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपको बता दें, यहीं से प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। यहीं से चौड़ा होगा, पूरा सीधे तक जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए सीमेंट एड्रेस से ऊँचा किया गया है, जैसा कि आपको बता दें, कुछ ऊँचा किया गया है ताकि प्लेटफॉर्म ऊँचा आ जाए। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार का, सामने देख रहा होगा आप लोग फुट ओवर ब्रिज, जो कि यहाँ पर उतरेगा प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। प्लेटफॉर्म नंबर छः से प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उतरेगा, उसका सांचा किस प्रकार का यहाँ तैयार किया गया है। यहाँ पर मोटा मोटा जो एंगल है उसको तैयार किया गया है। अभी हम चलते हैं, देखिए दिखाते हैं यहीं से। ये प्लेटफॉर्म नंबर एक के आगे बाएँ तरफ ही है, इसको फुट ओवर ब्रिज FOB में लगाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार का ईंटा लगा हुआ है प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए, मतलब साइड में ऊंचा करने के लिए लगा हुआ है ईंटा। और यहाँ तक प्लेटफॉर्म नंबर एक होगा, इसके आगे तक होगा, जैसा कि बता दें यहाँ तक होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर अपना प्यार सपोर्ट बनाएगा आप लोग, पूरा सहयोग करिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर FOB आके उतरेगा, जैसा बता दें, फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर आके उतरेगा। और सामने उसका वो है कुछ प्रकार का। और अभी हम चलते हैं, यहीं से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन को कवर करते हैं, यहाँ पूरा अपडेट दिखाते हैं, पूरा व्यू दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस अपडेट में, अपना प्यार सपोर्ट बनाइए। इस प्रकार के देखिए यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का पिलर है, और यहाँ पर यहाँ तक प्लेटफॉर्म रहेगा, जैसे बताया, जहाँ तक ईटा का आगे ख़त्म है यहाँ तक रहेगा। चलिए हम आगे चल के दिखाते हैं, वीडियो लंबा होगा जैसा कि बता रहे हैं आपको दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाइएगा। आप सभी की मांग थी कि यहाँ का वीडियो बनाइए, तो इसलिए हम आप सभी को वीडियो दिखाने के लिए आ गए। यहाँ तक ख़त्म हो गया है, यहाँ तक प्लेटफॉर्म रहेगा जैसा कि बता दें। चलिए हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन को कवर करते हैं।